मैम आपके लेजेस खुल रहे हैं। ओए रुक, तू सुनाई दे रहा हूँ क्या बोल रहा है? तेरे लेसेस खुले हुए हैं यार। पता है मुझे, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तुझे दिखने के मैंने स्कर्ट पहना हुआ है। ले बैग पकड़, इससे पहले तेरी थूट टूटे मैं ही बांध देती हूँ। फिर लोग पूछते हैं कि लड़कियों को वॉशरूम में इतना टाइम क्यों लगता है। ये क्या हो गया तेरे बालों को? कुछ नहीं यार, कुछ टाइम पहले ही रिबॉन्ड कराए थे, खुले बाल करके स्कूटी चला रही थी, सारा घोंसला बन गया। वैसे यार पता नहीं लड़कियां बाइक और स्कूटी पे कैसे बैठ जाते खुले बाल करके। तुझे पता है मुझे कितना हेयर फॉल हो रहा है? ये देख जितनी बार बालों में हाथ मारूंगी ना ऐसे निकलते हैं। मुझे तो लग रहा है कुछ दिन में अनुपम खेर और मुझ में ना कोई फर्क नजर नहीं आएगा। ये सब तो छोड़, तुझे पता है जब मम्मी हमारे स्कूल में चोटी बनाती थी ये मोटी चोटी बनती थी और अब उसकी हाफ भी नहीं बनती। और तुझे पता है सारी प्रॉब्लम ना मेरे साथ ही होनी होती है। लास्ट वीक से ना सेम बैग ले जा रही थी, उसमें हमेशा पैड रखती हूँ और ना कल ही चेंज किया, कल ही पीरियड्स आ गए, ऊपर से व्हाइट पैंट और पहना हुआ था। इमेजिन कर सकती है? फिर क्या किया तूने? क्लास छोड़ के आना पड़ा मुझे। सोशल मीडिया पर और आप गाने वगैरह। ओए थोड़ी देर लिए मैच चला दे जरा, ऐसा है दिमाग मत खराब कर समझा, शो देखने दे मुझे। हले तो ऐड चल रहा ना, बात चला लियो। ऐसा है दिमाग मत खराब कर, शो देखने दे मुझे समझा। चॉइस अल्ट्रा विद डार्क से 100% तक सुरक्षा, क्योंकि इसमें है मैजिक जेल और ये है साधारण 550 mm लंबा। इंटरेस्टिंग सीरीज थी, पता ही नहीं चला कब सारे एपिसोड खत्म हो गए। 3 बज गए, सो जाती हूँ। डार्क सर्कल्स गर्ल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पूरी रात सीरीज देखने का नतीजा है। बाथरूम से कपड़े पहन के नहीं निकल सकती तू, बेशरम कहीं की। वो मम्मी वॉशरूम में कपड़े पहनने से कपड़े गीले हो जाते हैं, मैं रूम में पहनूंगी। पता नहीं क्या ही होगा इसका। अच्छा सुन, देखना मैं इस फोटो में कितनी मोटू सी नहीं लग रही, डिलीट कर दूं क्या इंस्टा से? अरे तो फोटो ऐप से स्लिम कर लिया करना, और तुझे पता है उसमें हाइट बढ़ाने का भी ऑप्शन होता है। और ये देख, ये तेरी बॉडी को कर्वी करेगा और ये स्लिम कर देगा। अच्छा बेटा, तभी मैं सोचूं तू अपनी फोटोज में इतनी कर्वी और स्लिम कैसे लगती है, क्योंकि रियल में तो तू डंपर है। और ये ना फालतू की चीज मुझे मत सिखाया कर, और रियल में फिट हो जा तू भी। यार मैं क्या करूं, जब भी मैं किसी खाने की चीज को देखती हूँ ना मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं होता। हाँ तो कंट्रोल करने किसने कहा है, खा पी ऐश करो, फिटनेस पे भी ध्यान दे। यार मुझसे नहीं होती है जिम में मेहनत, सच बता रही हूँ। फिर तो तुझसे कुछ नहीं हो सकता, तू ना ये परमानेंट रखी है ठीक है। कहाँ रह गई यार, जल्दी यार लेट हो रहे हैं। हाँ हाँ चला जा। ओए ये तूने इतना फिटेड क्यों पहना है? क्यों क्या हुआ? तेरी पैंटी लाइन शो हो रही है पागल। शिट, तब ये पैंटीज ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो रुक मैं चेंज करके आती हूँ। जल्दी आ, वैसे इतना लेट हो गए हैं। ओए ये तूने आज इतने सारे नेल पेंट्स क्यों बाहर निकाल के रखी है? कल ही लेकर आई हूँ यार, आज ना एक प्लेट क्या वॉश कर ली, सारे नेल्स टूट गए, इतने सेंसिटिव नेल है मेरे, क्या करूँ इनका? अरे तो क्या हो गया, नेल एक्सटेंशन करा लियो ना। तुझे पता है मैंने अपने लॉन्ग हेयर भी बहुत मिस कर रही हूँ। ये सही है तेरा, जब तेरे लॉन्ग हेयर थे तब तुझे शॉर्ट हेयर चाहिए थे, अब जब बाल छोटे हो गए तो तू चाहती है कि तेरे लॉन्ग हेयर हो जाए, हद है यार। अच्छा ये बता,
तुझे फर्स्ट टाइम पीरियड्स कब हुए थे? जब मैं 15 इयर्स की थी, मुझे पता है मैंने स्कूल का वाइट ड्रेस पहना हुआ था, बट थैंक गॉड कि उस पर कोई स्टेन नहीं लगा। तब तक मैं घर वापस आ गई थी। बहुत अजीब सी फीलिंग होती है यार, मैंने अपने फर्स्ट पीरियड में बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत अजीब लग रहा था, किसी को बता भी नहीं पाते है ना। और तू बता। मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब मुझे हुए थे, और तुझे पता है मुझे तो पता भी नहीं था ये पीरियड्स होते क्या हैं। फिर मैंने मम्मा को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तब उन्होंने मुझे बताया और तब मुझे पता चला कि पीरियड्स इसे कहते हैं। मुझे तो 6th क्लास में जब डेमो देने आए थे ना, तभी पता चल गया था, लेकिन जब मुझे खुद हुए फिर बहुत अजीब लग रहा था। और तुझे पता है ना हम कैसे पैड्स को बैग में छुपा छुपा के लेके जाते थे ताकि कोई देख ना ले। यार ये गर्मियों में ना वाटरप्रूफ मेकअप भी नहीं टिकता, मेरा देखू शक्ल अपनी। यार ये डार्क स्पॉट्स को क्लियर दिख रहे हैं, और ये देख व्हाइट हेड कैसे उभर उभर के आ रहे हैं। वॉशरूम के मिरर में कैसे क्लीन दिख रही थी स्किन। अरे ऐसे ही होता है, वॉशरूम में कितने सुंदर लग रहे थे, जैसे अप्सरा तो बस हम ही हैं। ये डिफरेंस होता है। मम्मी आज ना आप रेस्ट करो, खाना मैं बना दूंगी, ये बताओ क्या बनाना है। अच्छा ठीक है, फिर अरहर की दाल बना ले जा। मम्मी इसमें से अरहर की दाल कौन सी है? दोनों पीले कलर की है, जो डब्बा छोड़ के आई है ना किचन में, वही है। और रहने दे, तुम अपना सीरियल खत्म होने के बाद खुद बना लूंगी। अरहर और मसूर की दाल कौन सी है ये पता नहीं है, नहीं ये बनाएंगी दाल। यार मेरी न्यूड लिपस्टिक कहाँ रखी है? पर ये सेफ्टी पिन ना हर जगह पड़ी रहती है। ला पिन दे जल्दी। अरे ड्रॉर में रखी होगी, जल्दी जा वहां पर। चल इसको पकड़ के रख। कहाँ है यार, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अरे बहुत सारे पड़े होंगे, ठीक से देखना, फैक्ट्री है मेरे घर में सेफ्टी पिन्स की। कुछ भी नहीं है, खुद आके देख ले। रुक मैं आ रही हूँ। इसे भी खुल जाएगी यार। आराम से फोन के दिखा। जब सेफ्टी पिन की नीड होती है ना तो कहीं नहीं मिलेगी, और जब जरूरत नहीं होती ना तो सामने पड़ी मिलती है। रोटी है। मम्मी थोड़ी सी जल गई, आप ऐसा करो इसे रहने दो, मैं दूसरी बना के ला दूं, इसे मैं खा लूंगी। इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये कि ये टूट रही है, थोड़ी सी जल गई ये भी। आप ऐसा करो ये रहने दो, मैं खा लूंगी। सब तू खा लेगी तो मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ? मम्मी क्या है ये? व्हाइट कुर्ती थी ये मेरी, इसे कलरफुल कपड़ों के साथ डाल के तुमने इसको काला पीला कर दिया। ऐसा है, भगवान ने हाथ पैर दिए सही सलामत, अपने काम खुद किया करो, खुद धुला करो अपने कपड़े। एक तो इनकी नौकरी करो, पूरे दिन काम करते रहो उनके लिए, ऊपर से इनकी सुनो। तो मैंने बोला आपको कि रंग बिरंगे कपड़ों के साथ इसको डाल दो। क्या ऑडियो भेज रही है? कॉल नहीं कर सकती क्या? दीप सुन, आज रात कैनॉट क्लब में ना पार्टी है, मैं तो जा रही हूँ मोहित के साथ, तू राहुल को लेकर वहीं आ जाइयो। पूरा प्ले कर। और तुझे पता है कपल्स की एंट्री ना बिल्कुल फ्री है, और अनलिमिटेड दारू और स्नैक्स। तू 2 मिनट रुक नहीं सकती क्या? रुक जा 2 मिनट। तेरे जल्दी के चक्कर में ना मेरी रिप्ड पैंट पूरी फट गई है, पहनने लायक नहीं बची है। अच्छा सुन, कौन सी फोटो अपलोड करूं बता ना।
ये कर दूं? हाँ ये भी अच्छी है। नहीं यार इसमें हाइट कम लग रही है और इसमें देख पेट बाहर आ रहा है और इसमें आईज चौंधी सी लग रही हैं। ये देख एक फोटो अच्छी आई है वो भी ब्लर कर दी। इसे अपलोड कर दूं क्या? हाँ तो कर दे, क्या फर्क पड़ता है, कैप्शन में लिख दियो रैंडम क्लिक। यार ये रेड लिपस्टिक और नेल पेंट सेलिब्रिटीज के लिए बने होते हैं क्या? मैंने कल ट्राई किए थे, इतना गंदा लग रहा था ना, खुद ही को नहीं पसंद आ रहा था, दूसरों को तो क्या आता। दीप अपने पुराने कपड़े निकाल देना, बोल रही थी रखने की जगह नहीं है, बाहर जाऊंगी दे दूंगी किसी को। हाँ मम्मी आधे कपड़े बाहर पड़े रहते हैं, रुको हल्की कर देती हूँ, अलमीरा निकाल देती हूँ। टॉप तो मैंने एक साल पहले ही लिया था, नया का नया ही पड़ा है, इसे तो अभी रखती हूँ। ये ड्रेस मेरा फेवरेट है, पर इसमें मैंने एक भी फोटो नहीं कराई अभी तक, ये भी नहीं। और ये स्कर्ट कितनी क्यूट है ना, बस मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया है तो इसलिए नहीं आती है, और हर किसी टॉप पे मैच हो जाता है। ये भी नहीं, 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 क्या दूं फिर, ऐसा कर देती हूँ, रहने देती हूँ। मम्मी नहीं देना कुछ भी। हाँ दीक्षा शॉपिंग चले, शाम को चलते हैं ना शॉपिंग, ठीक है।